नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, केलकर जी ने हमारे साथ पालघर की निंदनीय घटना पर बहुत ही चिंता व्यक्त की एवं सरकार से मांग की है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जल्द से जल्द हो। केलकर जी ने इस चर्चा के दौरान खुलकर कई नेताओं एवं राजनीतिक दलों पर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होने का संदेह के घेरे में आता है। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका सबका बहुत स्वागत है और हमारे साथ आज फोन लाइन पर मौजूद हैं राष्ट्रीय संयोजक भारत रक्षा मंच के सूर्यकांत केलकर जी। केलकर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल खबर समय जगत में। केलकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी केलकर जी, मैं आपसे ये पालघर में जो घटना घटी है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, इसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। इसको जो ये घटना दुर्घटना हुई है, जो दो साधुओं की निर्ममता से भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी, आपने ठीक मुद्दा उठाया है जी। और कांग्रेस के लंबे शासन में जी भारतीय संस्कृति, भारतीय साधु समाज, इन पर जो वातावरण तैयार किया गया है उसकी ये उपज सामने आई है जी। इतनी घृणास्पद और इतनी निंदनीय घटना शायद ही इतिहास में कोई हुई हो जी। दो वृद्ध साधु जी, वो बचने की चेष्टा कर रहे हैं और सरकार जी की पुलिस वहां उनको सुरक्षा देने के बजाय उनको हथियारों के पास सुपुर्द कर रही है, ऐसे वीडियो में दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल दे रहा है बात बहुत। वो वीडियो देखने से भी दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है जी। एक बात तो ये है कि लगभग 200-250 लोगों का जी वहां जमा हुआ है। हाँ हाँ, एक तो ये सब लोग जो थोड़ा भी संगठन के काम में लगा है वह व्यक्ति जानता है जी कि 10-15-25 लोगों को भी इकट्ठा करना कितना कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये 200-250 लोग बिना उकसावे के, बिना भड़काए, बिना ये लोग आ नहीं सकते जी। जी निश्चित रूप से कुछ लोगों ने भड़काया है उनको और इकट्ठा किया है। इसमें एक चीज और मैं आपकी तरफ को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी पूरे देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू चल रहा है, तो ऐसे में इतनी भीड़ कैसे एकत्रित हो गई, इसमें भी सवाल ये निशान उठता है। ये और एक बात है, बिल्कुल सही आपने बात उठाई कि वैसे ही लोगों को इकट्ठा करना कठिन है, फिर लॉकडाउन के समय लोगों को इकट्ठा कर लेना 200-250 लोगों को जी, ये बिना योजना के, बिना प्रयत्नों के, बिना साजिश के संभव नहीं है। साजिश में केलकर जी, ये यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कोई साजिश या षड्यंत्र के तहत हुआ है, तो इसमें किस तरह के लोगों की उम्मीद कर रहे हैं आप, किस तरह के लोग इसमें शामिल रहे होंगे और उसके क्या कारण है? मोटे तौर पर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत का समाज जो है जी, खास करके हिंदू समाज जी, उसका वनवासी वर्ग हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो जी, इन लोगों में ये ऐसी क्रूरता नहीं है बिल्कुल कि लोगों की जान ले ले। सही बात है। सामान्य किसी कारण पर मुसलमानों में ये क्रूरता है क्योंकि उनको बकरा वगैरह काटते हैं, तो ये क्रूरता उनके बच्चों तक में जाती रहती है जी। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि उसमें मुस्लिम समुदाय से लोग शायद नहीं थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहाँ मुस्लिम समाज के लोग नहीं है उस घटना में जी। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने ये जो बात कही है ये ठीक है, सही है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, तीन कैटेगरीज के लोग हैं जी, एक ईसाई जी, दूसरे कांग्रेसी जी और तीसरे कम्युनिस्ट। अच्छा अच्छा, ये तीनों ही कैटेगरी के लोगों की विशेषता ये रही है कि ये अन्य लोगों के प्रति घृणा, नफरत निर्माण करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है जी, लोग जानते हैं कि किस तरह इन्होंने आरएसएस को बदनाम करने के लिए सब प्रकार के जी जी छल छद्म किए। केलकर जी, इसमें बदनाम करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं इसमें एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने कुछ लोगों पे कार्रवाई की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो उसमें कितना आप उससे संतुष्ट दिखते हैं उस कार्रवाई से?
नहीं, इतने मात्र से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें क्या और होना चाहिए? लोगों को गिरफ्तार करना इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। नहीं तो उनपे केस चलेगा ना, उनपे ट्रायल चलेगा, कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी। एक मिनट, लॉकडाउन के होते हुए भी इतने लोगों को इकट्ठा करने वाले कौन लोग हैं? जी ये ढूंढा जाना चाहिए और उनके ऊपर व्यवस्थित एफआईआर और उनके ऊपर कड़ी सजा वाला मुकदमा दायर होना चाहिए। जी जी। और ये घृणा का वातावरण निर्माण जो किया गया जी कांग्रेस के नेताओं द्वारा, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जी कि किस तरह भगवा आतंकवाद एक फर्जी शब्द गढ़ा गया जी, और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के भंटाधार मुख्यमंत्री जी यह उसमें संलग्न थे जी, इस तरह साधु संतों की साध्वियों की पिटाई पुलिस के द्वारा करवाई गई जी, घेर करके पुरुष पुलिस साध्वी को मार रहे जी, और ये सब इसके द्वारा सनातन धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, भगवी संस्कृति के प्रति एक घोर घृणा का वातावरण। जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन्हें बेनकाब होना चाहिए और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही आपकी भावना है मेरे को ऐसा लगता है। केवल इतना ही नहीं जी, केवल इतना ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा जी कि इसके लिए कम्युनिस्ट लोग, कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग और मुख्य रूप से सुशील कुमार शिंदे और भंटाधार मुख्यमंत्री जी यह भी इसके लिए जिम्मेदार है कि इन्होंने ये भावनाएं, ये जहर फैलाया है नफरत का, इनके ऊपर भी हत्या का जी मुकदमा चलना चाहिए। ये दो साधुओं की जो हत्या हुई है जी जी जी, ये बिना भड़कावे के, बिना घृणा का वातावरण तैयार किए बिना ये हो ही नहीं सकती जी। बिल्कुल, आपका वातावरण फैलाने में बहुत, ये लोग कम्युनिस्ट, ये कैथोलिक ईसाई जी और कांग्रेस, ये इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। केलकर जी आपने उनको में जिम्मेदार लोग हैं, उनको पकड़ करके सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा, हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, ये वास्तव में हमारी मांग है। बिल्कुल, आपकी मांग बिल्कुल सही लगती है मुझे और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात और स्पष्ट तरीके से अपने आरोप लगाए हैं कुछ लोगों पर। अब देखते हैं कि सरकार इसमें कहां तक, किस तरह से कामयाब होती है और किस तरह की कार्रवाई करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये हमारे साथ सूर्यकांत केलकर, राष्ट्रीय संयोजक है भारत रक्षा मंच के। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट।